We have parliament also as a temple. A temple where debate, discussion, dialogue has to take place. No one expects parliament to be engaged in disturbance. You want your representatives to function in national interest. I am working in that direction. We have enormously talented people in parliament. They bring on the table huge experience. I want that to be utilized for national purpose. But if our parliamentary system, temples of democracy, do not engage in dialogue and discussion, they are plagued by disruption and disturbance, the space is not going to be vacant. It will be occupied by forces that are not accountable to Constitution. I would therefore appeal to all of you. Use your power of the common man. Use your power as citizens of this country to generate an ecosystem that we always act in a manner to keep interest of the nation first and commit ourselves in an imperative manner to our duties. फोन लाइन नियामिका संसद के भीतर और संसद के बाहर वाइस प्रेसिडेंट जो है यही संदेश देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए लोगों को, और अगर हम ऐसा नहीं करें और केवल डिसरप्शंस रहे तो ऐसी ताकतों को मौका मिल जाता है जो देश के खिलाफ काम करना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट एक टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है और वहां पर डिस्कशन होने चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए, लेकिन लगातार जिस तरह से डिसरप्शन दिखाई दे रहे हैं, इस मानसून सदन के समय भी हमने देखा कि किस तरह लगातार जो विपक्ष है वो मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आकर और मणिपुर के मसले पर एड्रेस करना चाहिए। उसी के चलते तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने भी लगातार प्रदर्शन किया है और उसी की वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि हाउस को एडजर्न करना पड़ा है और उसी के चलते अब वाइस प्रेसिडेंट जो है जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी है वो एक साफ तौर पे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तमाम विपक्षी दलों को कि पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन लगातार जिस तरह से डिसरप्शन दिखाई दे रहे हैं वो अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो पार्लियामेंट सेशन होता है उसमें तमाम बिल्स पास होने होते हैं या फिर तमाम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा होने की जरूरत होती है, लेकिन जिस तरह से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है हाउस ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहा है और इसी की वजह से एक बार फिर से राज्यसभा चेयरमैन ने एक मैसेज देने की कोशिश जी। शुक्रिया नियामिका आपका, हम आगे बढ़ रहे हैं।